नमस्कार, मैं तारनाथ भंडारी। आज मैं आप लोगों को उत्तम शील क्या है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए श्रवण करते हैं। मनुष्य को इस लोक में सुख प्राप्ति से ही संतुष्टि नहीं, परलोक सुख की उसे अधिक चिंता है। वह एक ऐसे धन की चाह में है जो लोक परलोक में सुखद हो। वह भौतिकवाद से घूमकर आध्यात्मिक जगत का द्वार खटखटाता है, जहाँ उसे अंतर्बोध होता है। विदेशेषु धनम विद्या, व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। परलोके धनम धर्म, शीलम सर्वत्र वै धनम। परदेश में विद्या, विपत्ति में सद्बुद्धि, परलोक में धर्म धन सहायक है। परंतु शील सदाचार तो ऐसा धन है जो लोक और परलोक दोनों में साथ देता है। इस प्रकार शील सार्वभौम सुख का साधन है। सुखी जीवन के लिए विद्या, बुद्धि, धन, जन, बल की अपेक्षा उत्तम शील की अधिक आवश्यकता है। देखा जाता है धनवान, बलवान और विद्वान भी शील के अभाव में उद्दंड वृत्ति के कारण अपमानित होते हैं। और दरिद्र तथा अशिक्षित मनुष्य भी शील वृत्ति के कारण समाज में पूज्य माने जाते हैं। शील के अभाव में विद्वान रावण, राक्षस राज और शील वृत्ति के कारण विभीषण उक्त राज कहलाए, भारतीय परंपरा उद्घोष करती है। रामादिवत वर्तितव्यम न क्वचित रावणादिवत। शील के अभाव में विद्वान ब्राह्मण भी मणिभूषित सर्ववत त्याज्य माना गया है, उसका संसर्ग भी भयंकर है। दुर्जना परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो विशन, मणिना भूषित सर्प किसम किमसो न भयंकर। शीलवान को प्रचार में, शपथ में या बह्य डंबर में विश्वास नहीं होता, उसका शील ही स्वतः उसका उद्घोष है। वह लोकैषणा वित्तैषणा की परिधि से ऊपर उठकर सब भूतों में अपने को और अपने को सब भूतों को देखता है। शीलवान मनुष्य का स्वभाव सरल और शांत होता है। उसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता होती है। उसका चिंतन, मनन और दर्शन विलक्षण होता है। वह पर कन्या को पुत्री, पर युवती को भगिनी और पर नारी को मातृवत देखता है। पर धन को देखकर नियत खराब नहीं करना उसका दृढ़ विचार होता है। तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मागृधा कस्यचित् धनम्। ईशावास्य उपनिषद। किसी दूसरे की धन की आकांक्षा न करो, उत्तम शील पुरुष की परात्मक बुद्धि को छिपा देता है। उसके लिए मैं और तू रह ही नहीं जाता, उसे तो कीट पतंग पशु पक्षी और जड़ चेतन में अपने प्यारे प्रभु का दर्शन होता है। उसका सो अंकुश अंकुचित नहीं रहता। वह जीव और जीने दो में विश्वास रखता है। वह अस्तित्व की भावना में विचरता है और पशु दैव कुटुम्बकम का प्रचार करता है। वह अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए जीता है, मरता है। वह स्वर्गीय सुख की अपेक्षा प्रीतों की पीड़ा हरण को अच्छा मानता है। सबके सुख में सुखी और दुख में दुखी उठता है। वह भगवान से यही वरदान मांगता है। न तो हम कामये राजम, न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अतिनाशनम। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्येत् भवेत्। मनुष्य जीवन में उत्तम शील का बड़ा महत्व है। नम्रता और सहिष्णुता उत्तम शील के दो अंग है। नम्रता महत्ता का प्रतीक है और सहिष्णुता मनुष्यता की सूचक है। पर मत, पर धर्म और पर अभ्युदय में सहिष्णुता एक महान गुण है। परंतु अन्याय और अपहरण में सहिष्णुता महान दोष है। यह कायरता का रूप धारण कर लेती है। उत्तम शील के कारण अनेक पुरुष अजर अमर हो गए। महाभारत शांति पर्व में एक अंतर्भूत कथा है। इंद्र स्वयं ब्रह्म ज्ञानी थे। एक समय वे अपने राज्य से भ्रष्ट हो गए। तब उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, भगवान मेरा श्रेय किस में है? गुरु जी ने कहा, तेरा श्रेय आत्मज्ञान में है। इस उत्तर से इंद्र की संतुष्टि नहीं हुई, तो बृहस्पति जी ने उन्हें शुक्राचार्य के पास भेज दिया। जब वहां जाकर भी संतुष्टि न मिली तो शुक्राचार्य ने कहा,
मैं कुछ अधिक नहीं जानता, तुम प्रहलाद की भाष जाओ अंत में राज्य भ्रष्ट इंद्र ब्राह्मण वेश में प्रहलाद की भाष गए। शिष्य बन गए तो प्रहलाद ने उपदेश दिया, शील ही त्रैलोक्य का राज्य पाने की सच्ची कुंजी है और यही श्रेय है। इंद्र के सेवा भाव से प्रसन्न होकर प्रहलाद ने कहा, परम गृही इंद्र बोले, आप मुझे अपना शील दे दीजिए। प्रहलाद के तथास्तु कहने पर उनके शील के साथ ही धर्म सत्य व्रत श्री ऐश्वर्य आदि सब गुण उनके शरीर से निकल कर इंद्र के शरीर में प्रविष्ट हो गए। फलतः इस शील के कारण इंद्र अपना राज्य पा गए। शुक्राद एक विचारक था, उसे मारने के लिए जहर पीसा जा रहा था। उसके मित्रों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वह चुपके से जहर जाकर जहर पीसने वाले से पूछता है वह चुपके से बाहर जाकर जहर पीसने वाले से पूछता है मालूम होता है तुम नए हो, तुमने कभी पहले फांसी वाले के लिए जहर पीसा नहीं, तुम्हें इस दिशा में अनुभव नहीं, हाथ जल्दी चलाओ, देर न करो। वह आदमी कहता है कि जिंदगी भर से यही काम करता रहा हूँ, न मालूम कितनों को फांसी दे चुका, परंतु तुम जैसा सदाचारी शीलवान आदमी देखने में नहीं आया। शुक्रात को जहर दिया गया, वह होश में रहा और बोला, जहर के प्रभाव से जंघाओं तक मेरे पैर मर गए, हाथ मर गए, लेकिन हे मित्रों मैं जिंदा हूँ, मैं अभी भी हूँ, मेरे भीतर शायद मेरा शील है वही मेरा आत्मा है, जो अजर अमर है वह अजहर से शास्त्र से नहीं मरता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति दहति पावक, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक। क्राइस्ट जीसस को सूली दी गई, वे चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, बल्कि हंसे और मुस्कुराए। उनके हाथों को कीड़ों से गोदा गया, पैरों को छेदा गया, उनके नंगे दांत से लहू टपकने लगा, उनके मुंह से निकला, परमात्मा क्षमा कर देना इन लोगों को, क्योंकि ये ना समझे वे मेरे धर्म को, विचार को, शील को मारना चाहते है। शील मेरे जीवन का संबल है, वह सदा मेरे साथ है और सदा साथ रहेगा। मंसूर अपने शील रक्षा के कारण ही बलिदान हो गया, उसके हाथ पांव काटे गए, आंखें फोड़ी गई, धकर गर्म गर्म सलाखों से उसे भिगा गया, परंतु उसके होठों पर उफ तक नहीं, वह मुस्कुराया और बोला, जिस शील के कारण वह मारा जा रहा है वही शील उसको शक्ति और साहस दे रहा है। माननीय गोखले लोकमान्य तिलक न्यायाधीश राणा रे जामशेद जी गांधी जी और मालवीय जी जैसे महापुरुष अपने इन्हीं स्वभावों के कारण महान और देश रत्न बन गए। जीवन दर्शन जीवन दो एक प्रांगण है, सिखत को क्रीड़ा करने दो, परोपकार में रत रह कर तुम जीवन के दिन घटने दो, यही गुप्त गणित जीवन का यही गूढ़ दर्शन भी है, बाधक न बनो तुम स्वयं के कर्तव्य मार्ग पर चलने दो, आत्मा की सुनकर पुकार जीवन पथ पर बढ़ो आगे, गुणों को भी परिष्कृत करके उनका विस्तार करो आगे, रह जाएगा सब धन यही जिसका तुम अर्जन कर रहे, पापों का क्षय हो पुण्योदय सच में धनार्जन यह है, भूखे को रोटी देना है हरि को पुष्पार्पण समझो, पुष्पार्पण कर हरि को भज कर तुम चरम लक्ष्य की सिद्धि समझो, तुम चरम लक्ष्य की सिद्धि समझो। ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद परमात्मा वासुदेव की।